लगा हुआ है, ये शायद उन्होंने खजूरें तोड़ तोड़ के डाली हुई हैं सारी, और इनका नाम है रहमत ट्रेडर्स एंड सन्स। ये भी सारा जो है इधर निज़ाम मौजूद है। मगर आज मैंने आपको अगबरी मंडी का ब्लॉग करवाना है, अगबरी मंडी का वो एक ऐसी साइड का ब्लॉग होगा जो मैंने पहले नहीं करवाया, और उसी साइड से होता हुआ मैं दिल्ली दरवाजे तक जाऊंगा, लेकिन सारा ब्लॉग जो है ना अगबरी मंडी का कराऊंगा, और वो एक अनसीन साइड होगी जो मैंने पहले आपको नहीं दिखाई, तो उस साइड का मैंने आज आपको ब्लॉग करवाना है। बीच में ड्राई फ्रूट्स भी होंगे और हो सकता है और भी कोई चीजें मिल जाए, मगर बेसिकली थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ही होंगे। सो गाइस देर हम नहीं करते, चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों ये वो साइड है अगबरी मंडी की, तो साइड जो है वो दरअसल कुछ यूं है कि पहले मैं सीधा चला गया था और ना क्या कहते हैं मोची की तरफ निकल आया था, मगर आज जो है मैं अकबरी मंडी से ही सीधा जाऊंगा और कश्मीरी बाज़ार की तरफ निकलूंगा। ये हमारा आज का जो है अंदरून शहर का टूर है, और इसमें आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी दुकानें हैं और कौन कौन से इलाके हैं वगैरह वगैरह वगैरह। 8 बजे का रूल है ना, इसमें दुकानें भी जल्दी बंद हो गई हैं। ये भी ड्राई फ्रूट मार्केट ही और क्या, मगर ये अकबरी मंडी की वो साइड है जिसका मैंने पहले कभी आपको व्लॉग नहीं करवाया, पार्ट टू कह ले यहाँ पे से। ये देखें ये मकई लगी है, या ये ड्राई फ्रूट है सारा, ये खुले हुए अखरोट हैं सारे, और इसके अलावा मूँगफलियाँ वगैरह हैं। ये भाई से भी हम पूछते हैं, भाई ये कितने किलो हैं खुले हुए अखरोट? 1700 रुपये किलो जो है भाई ने इसका भी हमें रेट दिया। आगे इधर देखें, ये शायद इमली लगी, इमली है, ये इमली लगी हुई है सारी, साथ में मेवा जात है, किलो के हिसाब से मिलती है। चले वो भाई जो है ना भी कस्टमर में ज़रा मसरूफ़ है, ये कस्टमर है, ये नारदान है, आइए इधर आगे चल जाते हैं। दुकानें इसलिए थोड़ी बहुत बंद हो गई क्योंकि 8 बजे का रूल है ना कि मार्केटें जल्दी बंद होनी है। ड्राई फ्रूट्स के ब्लॉग इसलिए ज़्यादातर हो रहे हैं क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं ना, और सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये अकबरी मंडी की वो साइड है जिसका मैंने पहले आपको कभी भी टूर नहीं करवाया। ये खुले हुए अखरोट हैं, मेवा जात हैं, ये क्या भाई जान, ये खुरमानी? हाँ, तो ये कितने किलो है? बस यानी की कीमत कितने किलो है? किलो? हाँ, ये 800 रुपये, 800 रुपये की किलो है, सही। ये होलसेल का। और ये भाई की दुकान है, दुकान नाम क्या है आपकी दुकान का? रहमान, रहमान ट्रेडर्स जो है भाई की दुकान का नाम है। पीछे भी जो एक दुकान थी वो एंटर होते साथ ही उल्टे आती थी, उसका मैंने नाम नहीं बताया तो माजरा था ज़रा, लेकिन ये रहमान ट्रेडर्स है। उसके बाद ये भी सारा लगा हुआ है, ये शायद उन्होंने खजूरें तोड़ तोड़ के डाली हुई हैं सारी, और इनका नाम है रहमत ट्रेडर्स एंड सन्स इस दुकान का। और उसके बाद ये अभी आप देख सकते हैं कि ये भी एक दुकान है, ओए हो यहाँ से ज़रा बच के, एम भी मरना पैर अंदर तो समझोगे। ये इंजील वगैरह लगी, ये खुले हुए अखरोट वगैरह। इंजील कितने किलो है हाई साहब? 3000 रुपये किलो जो है हाई साहब ने इसका रेट दिया, और इनकी दुकान का नाम है अजान राइस। आगे ये चावल वगैरह सारे वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद इधर भी हम आ जाते हैं, ये भी मेवा जात वगैरह, बादाम अखरोट वगैरह। आगे ये सारी दालें वगैरह लगी हुई हैं,
एम नुमान के नाम से जो है भाई की दुकान है। ये देखें जनाब, मिर्च मसाले लगे हैं, हल्दी मिर्च साबित मिर्च मसाले वगैरह सब कुछ। ये शायद कावे वगैरह हैं, ब्राज़ील कावा, और ये सारा वगैरह। आगे आ जाएं ज़रा आगे, ये भी एक दुकान है। अच्छा, ये यहाँ का टूर करवाने का पता फ़ायदा क्या है? यहाँ का टूर करवाने का फ़ायदा ये है कि वो लोग, मैं एक मिनट बाद में आपको बताता हूँ, ये मूँगफलियाँ वगैरह हैं, ये अखरोट वगैरह हैं, और ये पता नहीं क्या है। आगे मिर्च मसाले वगैरह खजूने वगैरह भी लगी हैं। भाई ज़रा काम में मसरूफ़ है, वरना इससे रेट पूछते हैं। उनकी दुकान का नाम तो नहीं लिखा हुआ, तस्वीर समझ लें आप। और इधर आ जाए ज़रा इस दुकान पर, इधर भी ज़रा कुछ लगा हुआ है, जाड़ा दी हट्टी के नाम से दुकान है। ये शायद पत्ती, ये क्या है ये? अभी ज़रा अंदर वो मसरूफ़ है, मैं इसने पूछ नहीं सकता। आगे सारा जो है इनका भी ये निज़ाम लगा है। ये एक प्लाजा बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके बाद ये भी है। अच्छा, इस तो इस जगह का टूर करवाने का पता आपको फ़ायदा क्या है? इस जगह का टूर करवाने का फ़ायदा ये है कि वो लोग जिन लोगों को यहाँ तो इस बारे में पता हो, उन्हें एक मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती है। और जिनको ना पता हो, जैसे कि सोसाइटीज़ के लोग होते हैं ना, वो कोई भी चीज़ ख़रीदनी हो तो वो माल वाल पे जाते हैं, तो उन्हें पता लगे कि जनाब ये भी एक एरिया अंदरून शहर का जहाँ से जो है ये सारी चीज़ें बआसानी मिल जाती हैं, ये ड्राई फ्रूट से रिलेटेड या घर की चीज़ों से भी रिलेटेड। अखरोट, कोकोनट, यहाँ से बच के बस, बाकी सारी है यार। अब यहाँ पर जो है ड्राई फ्रूट वाला सीन मुकम्मल हो गया, और ना जो क्या कहते हैं डेली रोज़मर्रा में जो घरों में पकाए जाते हैं ना, जैसे कि चावल हो गए, और उसके अलावा भी मिर्च मसाले हो गए, यानी कि जो यूज़ होते हैं, उसका सीन जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया। दुकानें बंद हैं क्योंकि ज़ाहिर 8 बजे का सीन है, तो मैं ज़रा ना आगे से करता हूँ। ये देखें जनाब, इधर खजूने वगैरह लगी हैं, क्लीम पंसार स्टोर वगैरह वगैरह वगैरह। इधर सारा जो है वही सामान वगैरह, अकबरी मंडी लाहौर। अभी तो 8 बजे का सीन है ना, इसलिए दुकानें जल्दी बंद हो रही हैं, वरना बेसिकली तौर पर जो मार्केट 9 बजे तक खुली रहती है। ये देखें इधर भी कावे वगैरह लगे हैं, ये भी कावे की लकड़ी है शायद वगैरह वगैरह वगैरह। ये भी सारा जो है इधर निज़ाम मौजूद है। ये भी इधर भाई ने जो है सब कुछ लगाया हुआ है। ये भी इधर आप देख सकते हैं, ये भी एक दुकान है, PMS ड्राई फ्रूट एंड सन्स। इधर भी लगा हुआ सारा। इधर भी जो है ना साड़ा एक लगा हुआ है। अच्छा, तो जनाब दिल्ली दरवाज़े वाली साइड जो है हमारी निकल आई है, और अकबरी मंडी की जो वो हाइडन साइड थी वो ही मुकम्मल। तो यहाँ पर मैं ब्लॉग को कर रहा हूँ एंड, उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। जब चलिए घर चलकर अभी आपसे मुलाकात करते हैं, स्टे ट्यून्ड। आया था और आपको भी देखिए काफी अच्छा लगा होगा कि मैंने पहले तो जो ब्लॉक करवाए थे वो अकबरी मंडी के थे, और ये वाला भी अकबरी मंडी में, और ये गली भी अकबरी गेट अकबरी मंडी में मौजूद है। और आपको ये ब्लॉग देखकर काफी मजा आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।